हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि अब की बार हम हिंदी में करेंगे 100 में 99 पार। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। बस इतने प्रश्न पढ़ के जाना, आपका हिंदी में 50 नंबर पक्का हो जाएगा। ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है, ये स्पेशली 22 फरवरी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम पूरे हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो 22 फरवरी को जाना और इनको छाप के आना, आपको हिंदी में 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हिंदी का खंड खा होता है, ठीक है, जिसमें संस्कृत गद्यांश और हिंदी व्याकरण ये सारी चीजें होती हैं, इस पूरे खंड खा को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। मतलब आपका हिंदी का पेपर खंड खा और खंड खा दो भागों में डिवाइड होता है, 50-50 नंबर का दोनों खंड होता है। आज हम खंड खा को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। संस्कृत गद्यांश, पद्यांश और जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, सब कुछ आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 22 फरवरी से पहले अगर आप 21 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हैं तो ध्यान से देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। पूरे 13 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पूरे 13 टॉपिक। देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसको जानिए। संस्कृत गद्यांश हम पढ़ेंगे, संस्कृत पद्यांश पढ़ेंगे, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे, आपठित गद्यांश पढ़ेंगे, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध। पूरे 50 नंबर के टॉपिक हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। बट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत गद्यांश को, और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं संस्कृत गद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे, और जो संस्कृत गद्यांश मैंने इस वीडियो में लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 7 नंबर कंप्लीट करा के रहेगा। ये आपका पंच महामना मालवीया चैप्टर का ये गद्यांश है, महामना मालवीया, सॉरी ये पंचशील सिद्धांता चैप्टर का गद्यांश है। और पंचशील सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हिंदी संस्कृत में। मैंने बताया है 4 चैप्टर पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक महामना मालवीया, एक पंचशील सिद्धांता, एक संस्कृत भाषा या महत्वम और एक जातक कथा, ठीक है, ये 4 चैप्टर पढ़ लो। उसी में से आज मैं पंचशील सिद्धांत का एक गद्यांश लेकर आया हूं। ऐसे आपको गद्यांश दिया रहेगा, कहा जाएगा कि इसका संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करो, तो हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो हम इसका पहले हिंदी मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉपी में लिखना है। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। देखो, आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहतिवंता, यानी कि आधुनिक जगत, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत ने नवीनम नवीन राजनैतिकम राजनैतिक स्वरूपम स्वरूप ग्रहतिवंता, मतलब ग्रहण कर लिया है। तो आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्थिता, वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। पंचशील सिद्धांत का मतलब 5 सिद्धांत है। देखो, सबसे पहला सिद्धांत है किमपि राष्ट्रम कस्य नस्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम् न करिष्यते, ठीक है, यानी कि किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य नान्यस्य, भाई संस्कृत है थोड़ा सा अच्छा है मेरा ज्यादा, ठीक है, राष्ट्रस्य यानी कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषय में कीदृशमपि व्याघातम् यानी कि व्याघात यानी कि व्यवधान न करिष्यत, नहीं करेगा। यानी कि सबसे पहला जो सिद्धांत है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप इंडिया से हैं, कोई अमेरिका से है, आप अमेरिका, अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो दूसरे देश आंतरिक विषय में कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा देखो क्या है, प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम परस्पर प्रभु संताम यानी कि प्रभु सत्ता, ठीक है, प्रादेशिकी मखंड मखंडताम यानी कि प्रादेशिक जो अखंडता है, ठीक है, समानताम समानता के साथ व्यवहारिष्यत, सॉरी चा सम्मानस्यत यानी कि सम्मान करेगा। तो इसका मतलब होगा कि प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा देखो, प्रत्येक राष्ट्रम प्रत्येक राष्ट्र परस्परम परस्पर समानताम समानता का व्यवहारश्चित व्यवहार करेगा, तो प्रत्येक राष्ट्र समानता का व्यवहार करेगा, ठीक है। आगे देखिए,
किमपि राष्ट्रम परेण, यानी कि कोई भी राष्ट्र ना क्रिश्यंत, दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, मानी मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। तो कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा बिना वजह। ठीक है, और चार हो गए, पांचवा देखिए, सर्वाण्यप राष्ट्राण, सभी राष्ट्र, ठीक है, मिथा स्वाम स्वाम, यानी कि अपनी अपनी, ठीक है, प्रभुसत्ताम प्रभुसत्ता का शांतिया शांति से रक्षेष्यंत रक्षा करेगा। तो सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये पांच सिद्धांत हैं, पंचशील सिद्धांत यही है। लेकिन अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है भैया, इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, खूब ध्यान से, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक है। देखो जब भी आप इसको सॉल्व करें, प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है। मैंने जब हिंदी कॉपी लिखना आपको सिखाया था तब मैंने बताया था, आप लोग सर्च कर लीजिए 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखी शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले आधुनिके डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड इसको लिख देना है, क्योंकि दो गद्यांश रहेंगे, हमें करना एक ही है। अब कौन सा करना है इसको क्लियर करने के लिए हमें ये करना होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना ही होगा, वो तो भाई आप मिस कर नहीं सकते। तो यहां पे लिखना है आधुनिके, ठीक है, आधुनिके, ठीक है, फिर आपको लिखना है डॉट डॉट करके, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके रक्षयिष्यन्ति, ठीक है, रक्षयिष्यन्ति, यानी कि रक्षयिष्यन्त, ठीक है, ये आपका हो गया आधुनिके, फर्स्ट वर्ड डॉट डॉट करके मैंने लास्ट वर्ड लिख दिया, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि भैया आपने यही वाला किया है। अब इसको संदर्भ के साथ लिखना होता है, मैंने बताया ये पंचशील सिद्धांत चैप्टर से है, तो ऐसे खूब प्यारा सा हेडिंग आएंगे संदर्भ, और ये जो मैं आसमानी लाल हरा पीला ये सब जो कलर यूज कर रहा हूं ना, मत करिएगा, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू, ओनली ब्लैक एंड ब्लू, नहीं तो नंबर कटेगा, ये ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, नहीं तो कहो सर जी ने बताया नहीं। तो यहां पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान से समझना, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, ठीक है, सॉरी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए ये संस्कृत भाग है, और संस्कृत भाग को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से लिखेंगे, खूब सुंदर सा लिखेंगे, सुंदरता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित, अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, इस चैप्टर का नाम है पंचशील, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। तो ऐसे आपको लिखना होगा संदर्भ, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से अवतरित है, ये आपका संदर्भ हो गया, खूब प्यारा सा। अब हिंदी अनुवाद लिखना है, जो मैंने आपको यहां पे बताया था वो मैंने लिख रखा है। देखो, आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा, कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होता है, संस्कृत गद्यांश को ऐसे सॉल्व करना होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, संदर्भ लिखो और अनुवाद कर दो, काम खत्म। ठीक है, बस हो गया, तो ये हमारा संस्कृत गद्यांश हो गया। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी पद्यांश देखेंगे, फिर हिंदी व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, इसी में अपठित गद्यांश रहेगा, फिर रस छंद अलंकार पत्र लेखन सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान दो। देखो ये भी आपका एक चैप्टर है आपके संस्कृत में, सुभाषित रत्नानी। उस चैप्टर में पूरे पद्यांश ही पद्यांश दिए हैं। उस पूरे चैप्टर के पद्यांश को पढ़ लेना। एक दो चैप्टर हैं जिनके नीचे एक एक पद्यांश दिया है, उसको पढ़ लेना, बस हो जाएगा आपका 7 नंबर कंप्लीट। ये टॉपिक फिक्स होता है और सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही मैंने यहाँ पे श्लोक लिया है। देखो ये श्लोक थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ना। उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र, ये भी 7 नंबर का आता है, मैं इसको ध्यान दिला दूं आपको, ये इजी होता है लेकिन 7 नंबर का आता है। देखो उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तिमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। यानी कि उदेति सविता, यानी कि सूर्य जो है वो उदित होते समय भी ताम्र अस्ताम्र यानी कि लाल होता है। सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है, एवास्मेत चा और अस्त होते समय भी लाल होता है। मतलब सूर्य जो होता है, आप देखेंगे जब उदय होगा सूर्योदय तो भी वो लाल दिखाई देता है, जब वो अस्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार संपत्तो चा विपत्तो, ठीक इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में, ठीक है, चा महत्ता मेक रूपता, महान पुरुष जो होते हैं वो एक रूप में होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों, जैसे सूर्य उदित होते समय और अस्त होते समय लाल होता है, वैसे ही महापुरुष जो होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में दोनों स्थितियों में एक रूप होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। सुख में हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे और दुख में पीड़ित नहीं होंगे। ठीक है, तो अपितु ये एक समान होते हैं, जैसे हमारा सूर्य होता है। ठीक है, जो महापुरुष होते हैं वो सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे यहीं से हम सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे हम उदेत लिखेंगे, उदेति, ठीक है, ध्यान देना, उदेत लिखा हमने फर्स्ट वर्ड और डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको उतारना नहीं होगा भाई, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, महता मेक रूपता, मेक रूपता, ऐसे आपको कर देना है। फिर एक बहुत ही सुंदर सा हेडिंग डालना है, खूब सुंदर सा हेडिंग का नाम है संदर्भ। ठीक, संदर्भ, ठीक, ऐसे आपको लिखना है। देखो भैया बोरिंग तो नहीं महसूस हो रहा है, अगर आपको इस समय जब आपका एग्जाम आपके सर पे है फिर भी अगर आपको कोई चीज पढ़ाई जो है बोरिंग लग रही है तो समझ लो अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई किसको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अच्छा नंबर लाना, अच्छे से पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश है, या प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, संस्कृत भाग को भाई हम ब्लैक से ही लिखेंगे जैसा हम लोग लिखते थे। ठीक है, संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, खूब सुंदर सा, इस पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, खूब बढ़िया से लिख देंगे भाई, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक है, अब हम अनुवाद लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया उसको, अनुवाद ऐसे लिखेंगे, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। ये महान पुरुषों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो हमारे महान पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग, ये भी हो गया हमारा पद्यांश भी, 14 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम हिंदी व्याकरण पे चलते हैं भाई। ठीक है, हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको जानने हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, शुभम सर हैं आपके साथ, हमेशा खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 नंबर का आता है, ये बहुत इजी होता है, मैं इसको एकदम हलवा समझता हूँ, गाजर का। ठीक है, देखो क्या है, आप बैल मुझे मार, मतलब इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसका अर्थ लिखना होगा, वाक्य प्रयोग करना होगा। अब इसको कौन नहीं कर सकता, 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के पेपर में, एक करना होगा, नहीं कर सकते,
छोटे बच्चे हो क्या? देखो, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होता है मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार मतलब आप मुसीबत मोल रहे हैं। वाक्य प्रयोग देखो, रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है इस वाक्य में आ गया, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। मतलब वाक्य प्रयोग तब सही माना जाएगा जब आपका क्वेश्चन इस वाक्य में आ जाएगा। अब आप रमेश की जगह पर महेश, गणेश कुछ भी लिख सकते हैं। तो रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। आ बेटा, हवा हो जाना दूसरा, यानी कि गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग देखें, दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में ना जाने कहां हवा हो गए। तो ये आपका हवा हो गए आ गया इसमें, यानी कि ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल राइट होगा। दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया भाई, दो नंबर का आता है, दो चार दस क्वेश्चन पढ़ लो बहुत है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मुहावरे में लोकोक्ति में कुछ है ही नहीं। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी हम पास कराएंगे, और जिसने बोला था तुझसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाएंगे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ। ये टॉपिक थोड़ा समझने योग्य है, ये पांच नंबर का टॉपिक होता है, आपठित गद्यांश। ठीक है, ये आपको एक बड़ा सा गद्यांश दिया जाएगा। देखो, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये कहीं अलग से दे दिया जाएगा ना, और इसके नीचे क्वेश्चन आपको एज अ गिफ्ट दिए जाएंगे। जैसे तीन क्वेश्चन आपको दे दिए गए, देखो ये तीन क्वेश्चन 1, 2, 3 करके दे दिए गए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले। देखो, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रथम बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त किया। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। हम हमेशा ट्राई करते रहेंगे, हमेशा ट्राई करते रहो, इफर्ट लगाते रहो, एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं टिकती है। बहुत बड़ा गणितज्ञ भी यदि अभ्यास छोड़ देगा तो गणित उसे छोड़ देगी। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी कीर्तिमान नहीं कर पाएगा, स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः अभ्यास आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास हमेशा करते रहो, ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा ट्राई, हमेशा इफर्ट लगाते रहो। आप सक्सेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप अभ्यास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये मायने रखता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हम इसका आंसर देखो कैसे देंगे। फर्स्ट है, कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है। तो देखो, निरंतर अभ्यास करने से कठिन कार्य सरल हो जाता है। ये देखो, मैं यहां पे बता देता हूं, कहीं लिखा होगा, ये देखो, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं। प्रथम बार प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है, यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी नहीं कर पाता। ठीक है, और निरंतर अभ्यास करते रहोगे, निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। ठीक है, तो यानी कि निरंतर अभ्यास से कठिन काम भी सरल हो जाता है। दूसरा, सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, यानी कि अभ्यास न करने पर सफलता साथ छोड़ देती है। मतलब अगर आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता भी आपका साथ छोड़ देगी, और अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, ये देखिए, यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी, हमारा साथ छोड़ देगी। अगर अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और ये जैसे ये एक नंबर का हो गया, ये दो नंबर का, ये दो नंबर का, ऐसे दिया जाएगा, पांच नंबर आपको दे दिया जाएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो उसको कर देना। तीसरा, देखो, निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की एक कुंजी होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड अभ्यास और लास्ट वर्ड जो मैंने बताया था, जैसे हमने अभी संस्कृत गद्यांश में किया था, इसका देखो लास्ट वर्ड यहां पे करना चाहिए। ठीक है, ये इसका लास्ट वर्ड है, इसको ऐसे खूब सुंदर से लिख देंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखो ऐसे मैंने लिख दिया, सबसे पहला क्वेश्चन, कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो ऐसे वन नंबर डाल के लिखेंगे, निरंतर अभ्यास करने से कठिन कार्य सरल हो जाता है। दूसरा, देखो, सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, तो अभ्यास न करने पर सफलता साथ छोड़ देती है। तीसरा, निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। ऐसे आपको आंसर लिख देना है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ आप अच्छे से अपना इफर्ट लगाइए। जब तक आप इफर्ट नहीं लगाएंगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा प्रयास करते रहो कुछ बड़ा करने का,
कुछ बड़ा हासिल करने का हमेशा आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, तभी आप उस काम में सफल होंगे। ये जो मैंने गद्यांश बताया ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, मैं इसको हटा देता हूं भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, इसमें कुछ नहीं था। शब्द युग्म पे चलते हैं। शब्द युग्म का मतलब दो शब्दों का जोड़ा। ठीक है, मतलब आपको सही अर्थ बताना होगा। जैसे फर्स्ट है सुगंध सौगंध, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है सुवास और दुर्गंध, खा है तोता और तोते का बच्चा, गा है महक और शपथ, और घा है अंधा तोता और खुशबू। तो सुगंध का मतलब महक होता है, सौगंध का मतलब शपथ, तो इसका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महक और शपथ। ठीक है, मतलब जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरा आपात आता आपाद, ठीक है आपात आपात, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है विपदा और संपदा, खा है सुख और दुख, गा है संकट और निष्कंटक, घा है संकट और पैर तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर घा हो जाएगा, संकट और पैर तक। ठीक है, आपात का मतलब होता है संकट, आपातकालीन स्थिति, संकट वाला स्थिति। ठीक है, आपात का मतलब होता है पैर तक, बस हो गया ये। ठीक है, एक एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन हमने लिया है, वैसे पढ़ना तो आपको और भी पड़ेगा, और ये कोई पहली क्लास नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको देखो क्या कर रहे हो। शब्द अर्थ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते थे, आपको पता होगा, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। तो देखो इसमें पतंग, पतंग को हम कई नामों से जानते हैं, पतंग को हम सूरी भी बोलते हैं, शब्द अर्थ या अनेक अर्थी शब्द इसको बोलते हैं। ठीक है, शब्द अर्थ को सूर्य पक्षी भी बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, नौका भी बोलते हैं। वैसे आपको दो ही लिखना होगा, मैं चार पांच बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी है, आपको दो ही लिखना है इसमें से, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। शिव, शिव को हम क्या बोलते हैं, महादेव, मैं महादेव का चेला हूं। ठीक है, महादेव। महेश हम बोलते हैं शिव जी को, महेश। मंगल बोलते हैं, मंगल। कल्याण बोलते हैं, शिव जी सबका कल्याण करते हैं। ठीक है, सुख बोलते हैं, सुख भी लिख सकते हैं, मतलब चार पांच मैं आपको बता रहा हूं, काहे को ले रहे हो टेंशन जब तक है शुभम। ठीक है, बस हो गया, शब्द अर्थ भी हो गया। ऐसे एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, इसको एक शब्द में हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है भाई उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। आप भी जानने की इच्छा रखेंगे तो आपका नाम भी हम जिज्ञासु रखा देंगे। दूसरा जिसकी चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज बोलते हैं, इसमें क्या है भाई, जिसकी चार भुजाएं हो उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, बस हो गया, सिंपल सा था। वाक्य संशोधन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गलतियां होती हैं उसको सही करके लिखना होता है वाक्य संशोधन में। जैसे देखो चंद्रमा आकाश में निकलता था, इसमें गलती क्या है, देखो भैया चंद्रमा आकाश में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते थे कि अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाती है तो उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ पे निकलता है रहेगा क्योंकि अभी भी वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा आकाश में निकलता ये आपका हो जाएगा। दूसरा देखूं, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, भैया ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, अनेकों वाला अगर आता है तो समझ लो इसमें गलती अनेकों में ही है, क्योंकि अनेकों नहीं लिखते अनेक लिखते, अनेक खुद में प्लुरल है, बहुवचन है, तो मैंने अनेक बार यात्रा की है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आपको सही करके लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग आते हैं रस छंद अलंकार पे। देखो भैया हमारा हिंदी व्याकरण हो गया, अब रस छंद अलंकार, फिर पत्र लेखन, फिर निबंध, हम सबको पढ़ेंगे। अब रस में मैंने लिया है वीर रस को, हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वैसे अगर आपको रस छंद अलंकार तीनों को बिल्कुल से क्लियर करना है, जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, 20 मिनट का सिर्फ वीडियो है, उसको देख लोगे ना 6 नंबर आपका कंप्लीट। तो यूट्यूब पे सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, कोई भी टॉपिक सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी। देखो वीर रस क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन बनाने का ट्राई कीजिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है,
सबको पता है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे दूसरा डेफिनेशन याद है। देखो भैया कोई भी डेफिनेशन याद हो सही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आप यही परिभाषा लिखें। अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी जाएंगी, अलग अलग एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो जो भी याद है आपको वो लिख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं वो एक ही बताऊंगा, ठीक है? आपको जो याद है वो लिख सकते हैं, सब सही होता है। उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है? ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? या किसी को से कोई याद होगा, एक और एग्जाम्पल होता है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद बनाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के लरत है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा रस। मैंने वीर रस आपको बता दिया, एक रस एक छंद एक अलंकार हम पढ़ेंगे, और मैंने आपको सारे रस सारे छंद सारे अलंकार एक वीडियो में बता रखा है, तो सारा यहाँ पे बताना कोई जरूरी नहीं है, टाइम भी बचेगा, आप लोग वहां से सर्च करके डायरेक्टली देख लीजिए, वो स्पेशल इसी पर बनाया गया है। अगर यहाँ पे हास्य रस का पूछ रहा था तो परिभाषा हम ट्रिक से लिख सकते थे, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव सिर्फ उत्साह की जगह पर हास कर देना है, वीर की जगह पर हास्य कर देना है, ठीक है? बस हो गया। दूसरा देखिए दोहा, हम लोग छंद पे देखते हैं, दो नंबर इसका भी कंप्लीट। देखिए रस में आप हास्य रस करुण रस वीर रस श्रृंगार रस इसको पढ़ लीजिए, छंद में दोहा सोल्ठा चौपाई कुंडलियां पढ़ लीजिए, और अलंकार में आपको पता ही रूपक अनुप्रास यमक उपमा उत्प्रेक्षा, ठीक है? देखो दोहा, दोहा इसमें आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, हम बताएंगे आपको। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मतलब दोहा जो होता है ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है, इसमें चार चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। इसको आपको उदाहरण के साथ मात्रा भी दिखाना होता है। देखिए उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित तो हुई। ये आपका एग्जाम्पल है। आपको दूसरा एग्जाम्पल याद है, बिल्कुल अफकोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल कई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एस टाइप का बना है ये दो मात्रा को व्यक्त करता है और ये एक मात्रा को, ठीक है? तो देखो यहाँ पे पहले और तीसरे में 13-13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11-11। तो देखो पहला और तीसरा 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13 और तीसरे में 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। तो पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 होगा। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11 और 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11। तो ये आपका दोहा हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब अलंकार पे चलते हैं भाई, ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रूपक अलंकार को हमने यहाँ पे लिया है। देखो इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यहां पे उपमेय क्या है, उपमान क्या है? देखो उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिस चीज की तुलना की जाए वो उपमेय होगा, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। उदाहरण देखो, चरण कमल बंधो हरिराई, मतलब श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान हैं। तो चरण यहां पे किसकी तुलना की जा रही है, चरण की, तो ये उपमेय होगा, उपमेय चरण होगा, उपमान कमल होगा, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, तो चरण की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय हो गया। अब जिससे की जाए, कमल से की जा रही है, तो ये उपमान हो जाएगा। बस हो गया, ये आपका अलंकार रूपक अलंकार हो गया, ठीक है? अब हमारा पत्र लेखन और निबंध व्यवस्था है, उसको भी जानेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब देखिए ये पत्र लेखन है, अब आप लोग कहेंगे सर जी इसका टाइटल क्या है, ठीक है? देखिए टाइटल क्या है इसका, इस टॉपिक पे हम लिखेंगे, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने के लिए आपको जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र लिखना है, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी में आप लिख रहे हैं, सबसे पहले सेवा में, सेवा में तो हमें लिखना ही होता है, सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, सेवा में तो सबको लिखना ही होता है। फिर उसके बाद में जिसको आप लिख रहे हैं, हम श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा वालों को लिख रहे हैं, ठीक है? आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना डाल दिया है। तो सेवा में सबसे पहले आपको लिखना है, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है, गोंडा श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब हम जल बोर्ड वालों को पत्र लिख रहे हैं। फिर आपको विषय लिखना है, आप किस सब्जेक्ट पे पत्र लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है,
विषय क्या है? देखो, हम पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, मतलब पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र, हमें जल आपूर्ति कराएं। फिर आपको महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम बतानी है। देखो, मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियंत्रित है, कई बार शाम को दो दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। ठीक है, सब गुस्से में है, अधिकारी आ गए तो ठोक डालेंगे इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यानी कि सबसे पहले आपको सेवा में, फिर जिसको पत्र लिखना है उसको लिखना है, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर आपको यहां तक अपना प्रॉब्लम लिखा, फिर थोड़ा अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, स्कूल वाला प्रार्थना नहीं है ये, आगे देखिए थोड़ा सा। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। दिनांक 22 फरवरी 2000 मत लिखिएगा, 2024, ठीक है, केवल 22/2/2000 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, भौदिये लिख दीजिएगा, काखागा वजीरगंज गोंडा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये पत्र लिखने का तरीका है। ठीक है, आप एक प्रबंधक जी को पत्र लिख रहे हैं तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पत्र लेखन भी हो गया। अब खंड खा का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा निबंध, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए, यहां पे मैंने निबंध में लिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। ठीक है, निबंध लिखते समय सबसे मेन जो होता है वो हेडिंग होता है, आपका हेडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर होना चाहिए। इतना आपको समझना है, ये बेसिक नॉलेज है कुछ जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, सबसे पहले प्रस्तावना, आखिर विज्ञान है क्या? देखो, आज का युग जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? दैट्स अ वून और कर्स। देखो, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, हम पढ़ेंगे, सिर्फ इसको ध्यान से आपको समझना है, हेडिंग को समझना है, मेन इसमें हेडिंग होता है। अगर आपको हेडिंग पता है आप जाएंगे फट से लिख देंगे, ये याद करने से याद नहीं होगा, और याद करना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको समझना है इस चीजों को, ठीक है, कैसे लिखा है। देखो, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित है। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नापती है। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। सबसे पहला हेडिंग यही रहेगा। अब आपका टाइटल है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, तो सब दूसरा हेडिंग हमारा लगेगा विज्ञान वरदान के रूप में। आखिर ये हमारे लिए वरदान क्यों है और किन किन क्षेत्रों में ये हमारे लिए वरदान है? देखो, विज्ञान वरदान के रूप में आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों से के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जैसे आप फोन अभी देख रहे हैं, फोन से क्लास ले रहे हैं, तो फोन भी विज्ञान की ही देन है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो और जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सब विज्ञान की ही देन है। अब क्षेत्र समझ लेते हैं, कुछ क्षेत्रों में हेडिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा अच्छे से लिखना। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। देखो, सबसे पहला, यातायात के क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो, यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी कायापलट हो गई है। दूसरा, संचार के क्षेत्र में, भाई बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे आप व्हाट्सएप से मेल से पहुंचाते हैं। तीसरा, दैनिक जीवन में हमारे विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है।
वो हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। चौथा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। पांचवा, औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव हुआ है। कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है? ऐसे क्षेत्र को आप लिखकर हेडिंग वाइज, हेडिंग बढ़ेगा अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे नंबर भी दिए जाएंगे, तो हेडिंग थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। कृषि के क्षेत्र में लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो ये भी विज्ञान की ही देन है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान इसका है। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, VCR, DVD आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। विज्ञान, अब वरदान तो हमने समझ लिया किस किस क्षेत्र में ये वरदान है, अब अभिशाप क्यों है इसको समझिए। देखो, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला साधन है। मानव चाहे जिस जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी है और आसुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो मानव कल्याण से कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी। मतलब विज्ञान जो आप गाड़ी मोटर यूज कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, कूलर यूज कर रहे हैं, इनसे जो धुएं निकलते हैं सारी चीजें, वो सब हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं, तो हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। और जो मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं, उसने रोजगार छीन लिया है। पहले लोग काम करते थे, अब मशीनें कर रही हैं, ठीक है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। उपसंहार देखो, लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर रहेगा, इसमें आपको थोड़ा अपना की पॉइंट रखना है। विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और नाड़ीपण में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोगता का है। इसमें दोष विज्ञान का नहीं, आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं उसका है। देखो, आप लोग लाइट यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें प्रकाश मिल रहा, सारी चीजें मिल रही। और कहीं गलती से लोग तार छू लेते हैं तो पता लगा करंट लगने से एक युवक की मौत, ठीक है, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो ये हमारा हो गया भैया निबंध, ठीक है। तो निबंध भी हमारा फाइनल हुआ, यानी कि यहीं पर हमारा पूरा हिंदी जो है वो फिनिश हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, आज का जो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने क्लास 12 हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे खंड खा में, सारे के सारे हमने इस क्लास में पढ़ लिए। पूरा खंड खा एक वीडियो में मैंने आपको बताया, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, तो आप लोगों के लिए मेहनत करना हमारा फर्ज है और आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।